सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری حافظ جمال صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ سب سے پہلے تو قاری صاحب کا کہ انہوں نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے ان سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے گزشتہ روز جو پروگرام رہا ہے خاص طور پہ جو معاملات زیر بحث آئے تھے اعتکاف کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے کوشش یہ کی کہ کم از کم جو ہے وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات کے اوپر گفتگو کر لی جائے آج بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے جو پیغامات ہیں بہت سارے موصول ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ آج علماء کرام کے سامنے وہ سوالات رکھے جائیں اور ان سے جوابات بھی لیے جائیں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا اپنے معزز مہمانوں کو علامہ سجاد شبیر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ان سے بڑی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے بہت سارے چیزیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد علی شاہ صاحب ہمارے اپنے پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہیں اللہ نے بڑی خوبصورت آواز آپ کو عطا کی ہے اور چند ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں
तो आज उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद अली शाह, आप यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। साथ साथ यहाँ पर हमारे जो दीगर मेहमान हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। नात खां में ईमान आयशा, मरियम ज़ीशान, नसर रिज़वी, ये तमाम जो हमारे नात खां हैं उन सबका खुश आमदीद। अलामा साहब, बिला तख़ीर मौजू की तरफ आते हैं, और जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की एतकाफ़ के हवाले से, आखिरी अशरे में और ईद से कबल फितराना अदा करना ज़रूरी है, और सदका फितर के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगु हो जाए इसके ऊपर, आज थोड़ा तफसील से बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर पैगामात मौसूल हुए थे। पहले तो उसको समझना ज़रूरी है कि ये है क्या और क्यों अदा किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, जैसा कि आपने फरमाया कि फितरा, यहाँ इस्लामी तालीमात और हमारे इस्लामी माशरे में अगर आप देखेंगे तो हर खुशी में जी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक खुशी में तो सबसे पहले अपने मालिक की बारगाह में सजदा, यानी खुशी की जो वो है। दूसरे ये कि अपनी खुशी में गुरबा और मसाकीन को याद करना, यानी इस्लाम जो है मुकम्मल, जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ते हयात है, तो वो हर खुशी में, जहाँ ये हम कहते हैं कि खुशी किस तरीके से मनाई जाए, तो खुशी का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो सबसे पहले आप अपने माबूद की बारगाह में सजदा करके, इंतसारी का इंतज़ार करके ये कहें कि ये खुशी हकीकी जो मिली है इस नेमत का शुक्र है। और उस नेमत में जहाँ आप अच्छा निवाला खा रहे हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि अपने हमसायों को, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब मुसलमान भाइयों को कभी फरामोश न करो। ये ईद उल फितर आती है तो फितरे की तरफ जो है रागिब हो जाते हैं। ईद उल अज़हा आती है तो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो गोश्त पूरा पूरा साल नहीं गुरबा खा सकते उन तक गोश्त पहुंचता है। यानी हमारी हर खुशी में, इस्लामी हर खुशी में ये राज नया है कि अल्लाह ने गुरबा और मसाकिन को कभी फरामोश नहीं किया। एक तो माबूदियत, अब दो माबूदियत, इसी तरीके से फितरा है। यानी फितरा ये है कि ये जितने भी हमने रोजे रखे हैं ये इसका शुक्राने के तौर पे हम जो है वो अदा करते हैं फितरा, ठीक है। और फितरा ये है कि हमारे यहाँ फ़िक़्हे जाफ़रिया में ये है कि जैसे ही चांद जो है, चांद की रोयत का जो है ऐलान हो जाए, तो फितरा निकालना जो है 3 किलो गंदम के जो है वो जितने पैसे हैं वो निकाल ले, या जो कुछ खाता है, जैसे चावल ज़्यादा आप खाते हैं रोज़मर्रा में तो चावल के हिसाब से निकालें, किशमिश खाते हैं तो किशमिश के हिसाब से निकालें, तो 3 किलो जो है हमारे यहाँ एहतियातन 3 किलो, 3.25 किलो का एक पैसे निकाल के आप जो है वो किसी पहले हमारे यहाँ ये है कि रिश्तेदारों में देखे कि कोई गरीब है तो उसको दे, नहीं तो हमसाए को दे दे। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारे यहाँ ये है कि आकिल पर और बालिग पर जो है वो फितरा है, गैर बालिग पे फितरा नहीं है। दीवाना है अगर उस पर फितरा नहीं है। अच्छा, फितरा दें किसे? हमसाए को दें, रिश्तेदार को दें, और उसको कतर न दें जो गैर एलानिया, यानी एलानिया जो है वो गुनाह करते हैं, यानी दाढ़ी को मूंगता है, फैले आराम करता है, और जिससे, जैसे आपको मालूम है कि ये गुनाह ने कबीरा का मर्तकब है और आप देख रहे हैं, तो उसको जो है फितरा जो है वो नहीं देना, नहीं और दिया जा सकता। सैयद, गैर सैयद का फितरा सैयद को नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ज़रा वजाहत फरमा दे, ये भी एक सवाल पूछा गया था, वो ये कि ये जो रोज़े जिन लोगों के छूट गए हैं, अगर वो कफारा अदा करते हैं तो क्या वो फौरन उसको अदा करें, या फिर ऐसा होता है कि आखिरी अशरे में या फितरे के साथ ही वो रकम जमा करके दे दी जाए, इसके लिए क्या हुक्म है ज़रा इसमें? देखें, बेहतर तो ये है कि निकाल दे तो बेहतर है, एक मत तो आम के हिसाब से रोज़ाना जो है वो कफारा जो है वो फिदिया जो है अदा कर दे, और अगर नहीं दे सकता, इतना साहिब सरवत नहीं है और वो जानता है कि मैं जो है इतनी जो है गिज़ा नहीं निकाल सकता, या इतना आटा नहीं दे सकता, या इसके बदले में नहीं दे सकता, तो फिर वो हिस्सों में जो है उसको अदा ज़रूर करना है, उस पर लाजिम है, यकीनन उसको अदा करना है, वरना वो गुनाहगार हो। बिल्कुल ठीक है। ये ईद से पहले पहले है, ईद से बाद पहले अदा कर दे तो बहुत अच्छा है, ताकि गुरब में चला जाए। रमज़ान में बहुत से लोग जो है इब्तिदा में ही, चूंकि तबीब ने अगर ये कह दिया और ये यकीन कामिल हो गया है, या ये यकीन हो गया है कि रोजा नहीं रखना, बिल्कुल ठीक है, पहले तो ये है कि जवान है, अगर थोड़ी सी बीमारी हुई है उसे ये मालूम है कि 3 दिन के बाद रोजा रख लूंगा, तो फिर तो उस पर है ही नहीं, वो तो रोजा कजा कर लेगा। अगर ये यकीन है कि मैं रोजा रख ही नहीं सकता तो इब्तिदाए रमजान में निकाल दे तो एहसान है, गरीब तक पहुंच जाए, ताकि इफ्तार कल नहीं निकाल सकता तो ईद के बाद निकाल। ठीक है, बहुत बेहतर है। अहमद अली शाह साहब, गुजारिश आपसे करूंगा, एक कलाम पेश करें और फिर ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये दुनिया एक
समंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मोजे बला की राह में हाइल मदीना है, जमाना धूप है और छाँव है बस के बस्ती में, जमाना धूप है और छाँव है बस के बस्ती दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है, और करम कितना है फख्री उन्हें की जाते पा का मुझ पर करमे कितना, करम कितना है फख्री उन्हें की जाते पा कि का मुझ पर, इतनी दूर मैं इतनी दूर हूँ फिर भी मुझे हासिल मदीना है, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आजश्क मेरे नात सुनाए जब क्या, आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए
तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगारों के सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपा है। बहुत अच्छे जनाब, और मैं टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करनी है। अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। मुफ्ती साहब भी फरमाइएगा कि फितरात के हवाले से बात हो रही थी कि फितराना किस तरह अदा किया जाए, सही वक्त क्या है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक बनाई तो कुछ लोगों को अपने फजल से माल दिया और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने फ़कीर रखा, ताकि वो फ़कीरों की जो है माली जो बोझ है उसको उठा सकें। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़िदिया के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, कसम के कफ़ारे हो गए, ज़िहार के कफ़ारे, वो माली कुरान करीम के अंदर बाकायदा एक इस पर बहस की गई है। अब जो आपका सवाल है कि सदकतुल फितर जो है ये इसका कौन सा वक्त है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर जब ईद का चांद नज़र आ जाता है और फजर की नमाज होती है तो सदकतुल फितर जो है ये वाजिब हो जाता है। ठीक है। और हदीस चांद देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हदीस पाक के अंदर जो है वाजिब हो जाता है, यानी वाजिब होना। ठीक है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपना जो सदकतुल फितर है वो ईदगाह में आने से पहले तुम अदा करो। ठीक है। लेकिन हमारे फुकहाए किराम फरमाते हैं कि ठीक है, फजर के वक्त ये वाजिब हो जाता है, देना ज़रूरी होता है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको पहले अदा पहले अदा कर दिया जाए। उसकी हिकमत क्या है? चूँकि अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि वो लोग के जो फ़कीर हैं और ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, अगर आप कुछ दिन कुछ अयाम पहले उनको सदकतुल फितर दे देंगे, उन्होंने लिबास बनाना है तो वो लिबास बना लेंगे, कोई भी चीज़ उन्होंने ख़रीदनी है तो वो ख़रीद लेंगे। और जहाँ तक सदकतुल फितर की मकदार के बारे में है तो हमारे यहाँ जो है ये 2 किलो गंदम है और 4 किलो खजूर है, 4 किलो किशमिश है, 4 किलो जौ है और 4 किलो पनीर है। यहाँ मैं एक बात और भी वजाहत करता चलूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अगर करोड़पति है तो वो भी 2 किलो गंदम के पैसे दे रहा है, अरबपति है तो वो भी 2 किलो गंदम के पैसे दे रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो निचला तबका है वो गंदम के पैसे दे, जिस तरह की मुफ्ती साहब ने साल ऐलान किया 125 रुपया बनता है, और जो मतवस्त तबके के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो खजूर के हिसाब से दें, तकरीबन 800 या 1000 इतना बनता है। अच्छा, जो आला तबका के लोग हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उन्हें चाहिए कि वो किशमिश के हिसाब से दें। कम से कम देते वक्त अपने आप को देखें कि अल्लाह ने उनको कितना दिया है, कम से कम हैसियत को तो देखें। देखें ना, हम फ़र्क क्यों करते हैं? कुर्बानी में भी यही चीज़ है कि हुजूर ने बकरा का और इसी तरह गाय का और हुजूर ने ऊँट का बयान फरमाया, तो जानवरों की कीमतें कम भी होती हैं और जानवरों की कीमतें ज़्यादा भी होती हैं। लेकिन मसला ये है कि जब 10 लाख का आप बैल ख़रीदते हैं, आपने घर में ले आते हैं, तो उसकी तस्वीर और उसकी खबरें TV पर चलती हैं, आप खुश होते हैं। लेकिन अगर आप किशमिश के जो हैं वो 2000-3000 दे देंगे तो कोई TV खबर नहीं चलाएगा। हालांकि बिल्कुल फ़लसफ़ा वही है कि जो अच्छा जानवर खरीद सकता है अच्छे जानवर की कुर्बानी करे। यहाँ जिसके पास पैसा है वो आला जो नौ बयान की गई है, जिन्स बयान की गई है, उससे सदकतुल फितर जो है वो अदा करें। ठीक है जी, मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ पर नातखा हमारे साथ मौजूद हैं मरियम जीशान, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो एक कलाम पेश कीजिए। जी मदीना जमाना याद
بہت بہت خوبصورت آواز ہم مریم ذیشان کی کلام پیش کر رہی تھی. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ادائیگی کا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑی اور وضاحت یہ ہو جائے کہ کن کن کو, جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی ہے, کہ اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے. اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی غیر جو مسلم ہے, ضرورت مند ہے, کیا اس کو اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اس کی چاہوں گا وضاحت فرما دیں. جی, جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی, جہاں تک غیر مسلم کا تعلق ہے تو غیر مسلم کو یہ فطرہ جو ہے اس کی رقم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے تو آپ کسی اور مد میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انسانی حقوق کی پاسداری کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی مدد کریں. مگر جہاں تک فطرہ ہے, جیسے کہ یہ واجب ہو جاتا ہے اور چاند دیکھتے ہی ہم پہ واجب ہو جاتا ہے, اور ہمارے جیسے کہ فقہ حنفی کا بتائیں, ہمارے ہاں مستحب یہ ہے کہ جو رقم نکالے تو اس کو سرہانے ایک رات یعنی صبح تک رکھ کے سوئے, اور عید نماز سے قبل جو ہے اس کی ادائیگی ضرورت مند تک جو ہے وہ کر دی جائے, یعنی کر کے پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جائے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا, یہ بھی بڑا احسن کام ہے کہ اگر ضرورت مند تک پہنچ جائے. بیسک کانسیپٹ جو فطرے کا ہے, صدقۃ الفطر, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, اپنی خوشیوں میں غربا اور مساکین کو شامل کرنا. اب جیسے سید ہے تو سید جو ہے وہ سید کو فطرہ دے دے ضرورت مند کو, غیر سید جو ہے وہ ظاہری غیر سید کو دے گا. تو یہ ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے اسلام میں کہ اس خوشی میں جو کہ عید آئے گی, اور اب تو لاک ڈاؤن میں جیسے مفتی صاحب نے کہا, دیکھیں جو اچھی غذا کھا رہا ہے, گھر میں بہترین رمضان میں جو افطار کر رہا ہے, اور وہ اگر 180 یا 200 روپے یا 220 روپے جو ہے وہ فطرہ نکال رہا ہے, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کھجور نہیں بلکہ جو متوسط طبقے کا ہے اور جو بہترین غذا کھا رہا ہے اس کو کشمش کے اس پہ جو ہے فطرہ نکالنا چاہیے. اور آج کے دور بھی ضرورت بھی ہے. مجھے بتائیے, اگر کسی کے گھر میں تین آدمی ہیں, 180 کے حساب سے اگر میں کسی ضرورت مند کو دوں تو وہ کیا کرے گا, اس کے کیا کام آئے گا؟ وہ تو ایک وقت کھانا بھی نہیں کھا پائے گا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی, یہ میسج کنوے کر رہے ہیں ہم, کہ اگر آپ متوسط طبقے کے ہیں اور آپ نے بہترین غذا رمضان میں کھائی ہے, عام دنوں میں بھی کھاتے ہیں, تو فطرہ نکالتے وقت اپنے مسلمان بھائی کو, مومن بھائی کو یاد رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ جو واجب ہو گیا ہے وہ تو اس سے زیادہ دیں تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے. مفتی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ قربانی کے لیے جیسے شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا, کیا اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ ادا نہ کرے؟ جی بالکل, اس کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے, مطلب اس پر سال کا گزرنا یا پھر مال کا بڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو صدقۃ الفطر صاحب نصاب پر ہے, جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر جو ہے صدقۃ الفطر نہیں ہے. اور صاحب نصاب کی میں وضاحت کر دوں, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے اس کے پاس رقم نہ ہو تو پھر نہیں. اور دوسرا, چونکہ یہ سب سن رہے ہیں تو فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ سید کو بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتا. ہمارے ہاں سیدوں کی جو معاونت ہے وہ مال صدقات واجبہ سے نہیں کی جاتی, لیکن ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ اس کا نعم البدل بھی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کم سے کم سادات کے لیے خمس اور عطیات کے لیے کچھ ادارے تو ہمارے ملک میں ہونے چاہیے تاکہ غربا کا جو ہے وہ خیال رکھے. بہت خوب, اس کے اوپر مزید گفتگو کر لیں گے.
गुजारिश करूँगा मैं मरियम ईमान आयशा यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, वो भी एक कलाम सुना दिए जी। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं और कोई मुंह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता दामन तुम्हारा तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा, पंजे तन के वसीले से मांगा। सुभान अल्लाह बहुत खूब ईमान आयशा ये कलाम पेश कर रही थी। आखिरी चंद सवालात और हैं जो शामिल करेंगे वक्त, क्योंकि हमारे पास अब कम रह गया। अलामा साहब, जैसे भी गुफ्तगू हुई थी इस बात की तो वजाहत हो गई कि किन को अदायगी ज़रूरी है। अच्छा, अब एक सवाल और ये भी है, ज़रा इसकी भी वजाहत फरमा दें कि अगर ईद गुजर जाए और किसी वजह से अगर अदायगी ना हो सके तो क्या उसके बाद उसकी अदायगी ज़रूरी है, और अगर वो ना कर सके किसी वजह से गुनाह का मुर्तकिब होता है? यकीनन वाजिब का जो है उसको जो है निकालना जो है, अगर पहले तो कोशिश ये करे कि निकाल के, बहुत से लोग रख देते हैं रकम और जो है वो अगर नहीं दे पाते तो थोड़े दिन के बाद दे देते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर निकालना भूल जाए जी या उसके दिमाग में नहीं आए तो जब भी याद आए उसको फितरा निकालना लाजिम है, लाजिम अगर वो साहिब निसाब है, ठीक है जी। इसमें हमारा फिक्र ये है कि अगर कोई शख्स ना दे, ईद भी गुजर जाए तो जिंदगी भर उसके ऊपर ये सदकतुल फितर वाजिब रहेगा, लेकिन यहाँ ये वजाहत भी है, जब भी वो सदकतुल फितर देगा वो अदा ही होगा, वो कजा नहीं कहलाएगा, ठीक है। बाकी जो आपने गुनहगार की बात कही, बिल्कुल जब इबादत को उसके वक्त से हट के किया जाए तो यकीनन अल्लाह की नाराजगी तो होती है, हम बेवक्ता खाना नहीं खाते तो अल्लाह की इबादत को कैसे वक्त से हटा देंगे? बिल्कुल ठीक है। तो ये यकीनन वो मामलात हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और ये फर्दन फर्दन सवालात इसलिए पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये घर के कितने अफराद हैं जो अदा करेंगे, और क्या सबके बिहाफ पर एक शख्स को उसकी अदायगी कर सकता है, ये सबको अलग अलग अदा करना अपने हाथ से ज़रूरी है क्या इसके बारे में? नहीं, इसमें ये है कि जो घर का कफील है, ठीक है, जो घर का बड़ा है, जो घर में कमाता है, ठीक, वो अगर सबका अदा कर दे, ठीक है, जो जो बालिग है हमारे यहाँ नाबालिग, हाँ, वो अदा कर दे, बालिग तो नाबालिग सारे शामिल, नहीं नाबालिग नहीं, नहीं उसपे नहीं है, हमारे फिक्र जाफरिया में सिर्फ बालिग का, आकिल का, ठीक है, वो अदा कर दे, आकिल भी अदा कर दे, मगर अगर कोई यानी घर में इसके अलावा भी अलग से देना चाहता है तो वो दे सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। हमारा फिक्र ये कहता है कि हमारे यहाँ नाबालिग के लिए भी है, लेकिन वो उस पर नहीं है, उसके कफील पर है, ठीक है। हमारे यहाँ जो घर के अंदर नाबालिग बच्चे हैं या नाबालिग जो भी हैं उनके लिए देने वाले पर उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बालिग लोग हैं उनका जब सदकतुल फितर कफील अदा करे तो फिकह हनफी के अंदर बालिगीन की अदा करने वाले को इजाज़त लेना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर कोई बीवी का फितरा अदा करेगा तो बीवी से भी इजाज़त लेगा, माँ बाप का अदा करेगा तो माँ बाप से भी इजाज़त लेगा, नाबालिग की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती। अच्छा, अब क्योंकि मॉड चेंज हो चुके हैं, अब तो क्योंकि उसकी शक्ल बदल गई, कोई पैसों की शक्ल में नहीं अदा कर पा रहा है,
तो अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी आ गई हैं, मैं चाहूँगा उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। क्या रकम वाकई फ़िज़िकली अदा करना ज़रूरी है, या वरना आजकल जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो जाती हैं इसके ज़रिए कि अगर अदायगी हो गई तो ये काबिल कबूल होता है? ऑनलाइन देखा ही जाएगा कि कैसे उन तक यानी जो है ना ये ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है। जैसे कि अगर कोई है, मेरी बहन जो है मुल्क से बाहर रहती हैं या आपके कोई भाई बाहर रहते हैं, वो वहाँ से ट्रांजेक्शन करके आपको भेज रहे हैं और आपको कफ़ील बना रहे हैं, आपको ज़िम्मेदार बना रहे हैं कि ये फितरा है मेरा, ये ज़रूरतमंद तक पहुँचा दें, तो फिर आप पर लाजिम होगा कि आप ज़रूरतमंद तक जो है पहुँचा दें। अब अगर कोई बाहर है या कराची से बाहर किसी को भेज रहा है किसी ज़रूरतमंद को, तो अब ये देखना होगा कि वो ज़रूरतमंद भी है या नहीं। अगर शरई तौर पर वो ज़रूरतमंद है तो आप दे सकते हैं, और ज़रूरतमंद नहीं है तो फिर वो फितरा जो है। ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों की बात हो रही है तो इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो पैसों की अदायगी होती है उसमें से भी पैसे काट लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मैंने रकम अदा की 20,000 रुपये, अगर वो टैक्स की मद में काट कर अगर जो जिस तक पहुँचनी है अगर अदा करेंगे, तो क्या इसमें मुझे ज़ायद रकम जो है वो जमा करानी होगी, या मेरी तरफ से जो रकम थी वो अदा हो गई है? मैं चाहूंगा इस पर नहीं, आप जब रकम जमा करेंगे तो टैक्स जो है ये अलग से करेंगे, अलग आपकी से। पूरी रकम जो है वो मुस्तहिक ज़कात या फितरा तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ की और मैं वजाहत कर दूं कि बैरूनी मुल्क की जब बात हुई, अगर हमारे यहाँ फर्ज करो कोई अमेरिका से फोन करता है या पैसे भेजता है, तो वो यहाँ के हिसाब से नहीं देगा, वो वहाँ के हिसाब से देगा। ये लोगों को समझ में नहीं आती है, यानी कि जो देने वाला जिस मुल्क में रहता है, दुबई में है तो वो वहाँ दिरहम के हिसाब से, अमेरिका में है तो डॉलर के हिसाब से, सऊदीया में है तो वो रियाल के हिसाब से, वो ज्यादा बनेगा, और यहाँ हमारे एतबार से वो जो है वो कम बनेगा। चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हो सकता है कि वो अगर यकीनन वो जब वहाँ से निकालेगा ना, जो भी अपना फितरा निकालेगा तो जहाँ रहता है सिक्का रायजुल वक्त उस हिसाब से होगा, जिस जगह वो बिल्कुल जिस जगह मौजूद होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, अब मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन साहब आप भी ये कलाम जो है वो हमें सुना दें, उसके बाद आखिर में चंद सवाल शामिल करके तो हम दुआ की तरफ चाहते हैं। जी, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है, कि मेहर कब से निकाब में चमन चमन है, उन्हीं की बुमाए समल है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उठा दो पर्दा। माशाल्लाह मुस्लिम साहब ये हमारे जो है नातखा कलाम पेश कर रहे थे, और चंद एक सवाल इसमें और रह गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अब टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि इस वक्त असर हाजिर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब शामिल हो गई हैं, जैसे इजी पैसा की सहूलत आ गई है उसके ज़रिए आप वो अदा करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा मसला है कि अब जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसके अंदर इंटरेस्ट का जो है वो खर्चा होता है, कि कहीं पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो जाता है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर देता है। अब इस वक्त तो उसके पास नहीं है, अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर पेमेंट करके अदायगी कर दे और बाद में जब उसके पास रकम आ जाए तो वो उसमें शामिल कर ले, क्या ऐसा मुमकिन है, कोई इसकी गुंजाइश है फितरा सदका फितरा के हवाले से?
नहीं नहीं, जब तक मिस्किन या फकीर के हाथ में पहुंचेगा नहीं, वो अदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के जरिए तो नहीं कर सकता, कम अज़ कम पहुंचना जरूरी है। अच्छा, उससे पहुंच तो जाती है, लेकिन जैसे मैंने अगर अदा किया तो मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है, वो उधार की शक्ल आपके पास नहीं है, तो वो फकीर तक कैसे पहुंचेगी? पहुंचेगा नहीं, वो कार्ड के जरिए अगर हम किसी को अगर अकाउंट में, लेकिन अभी आपके कार्ड में रकम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप आगे फकीर को दे रहे हैं, तो फिर फकीर के पास भी नहीं, उसके पास पहुंचना जरूरी है। तो ये जो है वो ट्रांजेक्शन इसलिए जरूरी है कि वो उधार की रकम लेकर भी अदा नहीं कर सकता। ऐसा ही है कि अगर वो कोई बहुत ज्यादा मजबूरी में है, अगर उसके पास कोई रकम पड़ी हुई अमानतन वो अगर अदा कर दे तो इसकी भी गुंजाइश नहीं है। यानी उसके पास रकम किसी की पड़ी हुई है तो जब तक उससे इजाजत ना ले तब तक, हाँ जब तक नहीं इजाजत लेना पड़ेगी यकीनन, क्योंकि उसके पास एक अमानत पड़ी हुई है, उससे कह दे कि ये मैं जो है वो दे रहा हूँ और इतने दिन में आपको लौटा दूंगा। अगर वो राजी हो जाता है तो फिर उस रकम से अदा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो रकम रह गई है आप कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इसमें देखा जाएगा आप साहिब निसाब भी हैं या नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये देखना जरूरी है। बसावकत ऐसा होता है कि कारोबारी पैसा फंसा हुआ है, वक्ती तौर पे मौजूद नहीं होता, ये सूरत है, इस सूरत में जब आएगा तो जब ही अदा होगा, वगैरह नहीं। पूछने का मकसद ये था। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आप जैसे कोई इलाज के लिए, जैसे अगर कोई शख्स है जो इलाज के लिए जिसको पैसों की जरूरत है, मुझे इसको पैसों की सूरत में ही अदा करनी है, या वो कहता है कि अगर मेरे बिल की अदायगी कर दी जाए तो मेरी तरफ से ये अदा हो जाएगा, ऐसी सूरत में क्या होगा? बेहतर ये कि ये पैसे उसी के हाथ में दिए जाएं, क्योंकि अपनी मर्जी से हमारे नज़दीक उसको तमलीक करना ज़रूरी है, ठीक है, यानी देने वाला किसी खास मकसद के लिए नहीं दे सकता। अच्छा, इसी तरह शादियों के मसले, ज़कात के और फितरे के खास करके कहते हैं कि तुमने शादी करनी है, इससे ज़कात जो है ना वो मशरूत नहीं की जा सकती, उसको जो है ना कुल्लियतन मालिक बनाना ज़रूरी है। यानी उसका मकसद ये होता है, सदका तो फितर का मसला ये कि ठीक है अगर उसको उसमें अस्पताल में अदायगी करनी है तो आप उसके हाथ पे ये रकम रख के और आप ये नियत करें कि आप सदकतुल फितर दे रहे हैं। अब वो अस्पताल में दे रहा है या खुद खा रहा है, मगर आपको शरई जिम्मेदारी है कि आप सदका समझ के उसके हाथ में अदायगी। बिल्कुल ठीक है, चलें, ये मामला जो है वो समझ में आ गया और बहुत सारे इससे मुतालिक जो है वो सवालात थे, तो कोशिश किया इस मुख्तसर नशिस्त में इन तमाम के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर ली जाए। चंद एक लम्हात हमारे पास हैं, इख्तिताम में हमें दुआ की तरफ भी जाना है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा अलामा साहब से, शबीर सजाद साहब से, कि वो एक दुआ मुख्तसर करवाएं और उसके बाद जो हम इख्तिताम की तारीफ बढ़ाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। परवरदिगारा, हमने जो ये जिक्र किया, जो नातें पढ़ी गई अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगारा, मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक फरमा। परवरदिगारा, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुल्क व आलम इंसानियत को कोरोना वायरस से नजात फरमा। परवरदिगारा, जो लोग बीमार हैं इन शबों के ज़रिए से परवरदिगारा उनको शफाए कामला आजला अता फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला